अम्बाला में पैदल सफर कर रहे मजदूरों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुकने पर किया लाठीचार्ज। पुलिस की पिटाई से बचने के लिए जैसे तैसे भागे मजदूर, पैरों से निकले जूते चप्पल, पुलिस की दलील, गैर हरियाणा के लोग जहां आए वहीं जाएं। कि अब जहां से आए हैं वहीं हरियाणा के है नहीं, लुधियाना साइड, अमृतसर, चंडीगढ़ वगैरह से आ रहे हैं, तो अब हमारा यही पॉलिसी है कि अब जहां से आए हैं वहीं जाएं। तपती गर्मी में पैदल निकले प्रवासी मजदूरों का कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें सामने आई, खाली पानी की बोतल पैरों में बांधकर चप्पल बनाए नजर आए कुछ श्रमिक। अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने मजदूरों को बोतल पानी की चप्पल उतरवाकर नई चप्पलें पहनाई, नंगे पैर सफर कर रहे मजदूरों को बांटी चप्पलें। थम नहीं रहा है कोरोना का कहर, 56,342 पर पहुंची मरीजों की तादाद, 24 घंटे में सामने आए 3,390 नए मामले। कोरोना से अब तक 1,886 लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की गई है जहां 29% से ज्यादा है कोरोना का रिकवरी रेट। 12 दिनों में दोगुने हो रहे हैं कोरोना के केस, देश के 216 जिलों में नहीं है वायरस का संक्रमण। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना, अब तक 19,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में 1,089 नए मरीज, अब तक 731 की मौत। गुजरात में कोरोना के 7,012 मामले, पिछले 24 घंटे में 387 नए मामले, अब तक 425 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है राजधानी अहमदाबाद, 5,000 के करीब पहुंचे मामले। दिल्ली में 5,980 लोगों में कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 448 नए मामले, अब तक 66 लोगों की मौत। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के बीच कोरोना की घुसपैठ, 45 लोग पॉजिटिव। महाराष्ट्र ने सरकार ने की है सुरक्षा बलों की मांग, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा लॉकडाउन में रहना पिंजरे में रहने के समान है, इसीलिए हमें मानने होंगे नियम। मुंबई में हटाए गए बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी, शहरी विकास मंत्रालय से तबादला हुआ। बीजेपी ने सीएम उद्धव ठाकरे पर किया वार, कहा बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को बनाया गया है बलि का बकरा। मुंबई में जेजे पुलिस स्टेशन के 6 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जेजे पुलिस स्टेशन में अब तक 34 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। मुंबई में एक एनजीओ ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा है खत, एयरपोर्ट को कार्गो सेक्शन से जुड़े एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने का लगाया है आरोप। अहमदाबाद के बाद मुंबई में अर्धसैनिक बलों की हो सकती है तैनाती, हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे ने सेना बुलाए जाने की अफवाहों को खारिज किया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया पहुंचे गुजरात, कोरोना पर डॉक्टर्स को गाइड करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 89 मरीज बढ़े, राज्य में कोरोना के कुल 3,341 केस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत, अब तक 1,349 कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुए। इंदौर में जारी है कोरोना का कहर, 53 नए मरीज सामने आए, इंदौर में अब तक कोरोना के 1,780 केस, 87 लोगों की जा चुकी है जान। त्रिपुरा में अब तक कोरोना के 116 केस, इसमें बीएसएफ के 113 जवान हैं शामिल। यूपी में कोरोना के अब तक 3,071 केस, 62 लोगों की जा चुकी है जान, 1,250 लोग हुए हैं स्वस्थ। यूपी के आगरा में कोरोना से 23 नए मामले सामने आए, आगरा में कोरोना के कुल 701 केस हुए, 303 मरीज हुए हैं स्वस्थ। दिल्ली में से मुजफ्फरपुर रवाना किए गए 1,200 प्रवासी मजदूरों के किराए को लेकर दिल्ली सरकार और जेडीयू में जुबानी जंग, आम आदमी पार्टी का आरोप, बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के रेल का किराया देने से इनकार किया। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो करके दावा किया है कोरोना संकट में यूपी बिहार के लोगों के साथ खड़ी हुई है केजरीवाल सरकार, प्रवासियों के साथ पूरा रहेगी। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार, ट्वीट की 6 मई को लिखी गई नोडल अधिकारी पीके गुप्ता की चिट्ठी। पीके गुप्ता ने खत में मुजफ्फरपुर यात्रा के लिए तकरीबन 6.5 लाख रुपए अभी दिल्ली सरकार से वहन करने का जिक्र किया है, बाद में बिहार सरकार चुकाएगी ये रकम। अकोला में एक दिन में 42 कोरोना के नए मरीज सामने आए, अब तक कुल 137 लोग कोरोना संक्रमित। बिहार के बांका में क्वारंटीन सेंटर में खराब खाने पर मजदूरों ने हंगामा किया, पुलिस ने बल प्रयोग में कुछ लोगों को घायल किया। राजकोट से 1,250 प्रवासी मजदूरों को लेकर भागलपुर ट्रेन पहुंची, प्रशासन ने खाने पीने का किया इंतजाम, सभी को 21 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। अलीगढ़ में एमयू प्रशासन ने 1,200 छात्रों को भेजा बिहार, खुद उठाया टिकट का खर्च। गुजरात के वडोदरा में जौनपुर पहुंची एक और श्रमिक स्पेशल, 1,257 मजदूरों की वापसी, होम क्वारंटीन रहने की हिदायत के साथ बसों से रवाना किए गए घर।
वंदे भारत रेस्क्यू मिशन के तहत बहरीन से लाए गए 152 भारतीय कोची एयरपोर्ट पर उतरा विमान। दुबई से एयरपोर्ट पर उतरी दूसरी फ्लाइट, 177 भारतीयों की हुई वतन वापसी। दो विमानों से कुल 356 भारतीयों की वतन वापसी हुई। रियासी भी 152 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, विशेष विमान से पहुंचे कोझिकोड एयरपोर्ट। अमृतसर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सांसद गुरजीत आहूजा ब्रिटेन के एनआरआई को बांटे मास्क, हालांकि इस दौरान ज्यादातर लोग पहले से ही मास्क पहने हुए नजर आए। राजकोट से रतलाम भेजे गए 1200 प्रवासी, स्टेशन पर खाने पीने का सामान दिया गया। गुजरात से मुजफ्फरपुर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्ची को जन्म दिया, परिजनों ने कोरोना कुमारी रखा है इसका नाम। महाराष्ट्र में मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाने के लिए मजबूर, नासिक से सैकड़ों मजदूर पैदल अपने अपने घरों के लिए निकले। कानपुर में आज से खुली फैक्ट्रियां, 33% स्टाफ को मिली है काम करने की मंजूरी। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में शुरू हुआ ई फ्रूट कारोबार, भेजी जा रही है सेब की खेप। राजस्थान के पाली में मुस्लिम स्वास्थ्यकर्मी रोजा रखने के साथ साथ निभा रही हैं ड्यूटी, लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ मास्क पहनने और कोरोना से बचने की दी जा रही हैं जरूरी हिदायतें। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों से छुपाया जा रहा है सच। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है, तो इन्फॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर उठाए सवाल, कहा क्या होगा आगे की रणनीति। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा नहीं सुनी जा रही है कांग्रेस शासित राज्यों के सीएमओ की बात। जोन को लेकर भी राहुल गांधी ने उठाए हैं सवाल, कहा राज्य नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर तय किया जा रहा है विभाजन। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस नेता को बिना सोचे बोलने की आदत है। जो आज जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है, वो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति यानी फितरत के हिसाब से बगैर अध्ययन किए, बगैर विषयों की जानकारी लिए हुए प्रेस के सम्मुख आने की अपनी पुरानी आदत के हिसाब से किया है। मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को नसीहत दी, कहा खाते में ट्रांसफर किए जाएं 7,500 रुपए। पश्चिम बंगाल से लौट रहे मजदूरों का झारखंड बॉर्डर पर बवाल, रोके जाने के बाद हाईवे पर किया हंगामा। पिछले 3 दिनों से बॉर्डर पर फंसे हुए बिहार और यूपी के करीब 500 मजदूर झारखंड सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। लखनऊ में बीजेपी मेयर के आरोपों से आहत हुए नगर आयुक्त, सभी कर्मचारियों के साथ 1 महीने के वेतन का किया अनुदान, इससे कोरोना संबंधित सामग्री खरीदी जाएगी। सुनी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सीएम योगी से अपील की, यूपी में मास्क बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाया जाए। फिरंगी महली की दलील, मास्क कारोबार से जुड़ा एक बड़ा तबका पाबंदी की वजह से भुखमरी की कगार पर है। विशेष ट्रेन से प्रवासी मजदूरों का यूपी आना जारी, फैजाबाद पहुंची ट्रेन। वाराणसी में 40 दिनों के बाद खुली पान की दुकानें। रामेश्वरम में शराब की दुकानों पर दिखी लंबी कतारें, 2 दिन पहले खोली गई हैं शराब की दुकानें। आसनसोल के रेड लाइट एरिया में महिलाओं की मदद को आगे आई संस्थाएं, बांटे सैनिटरी पैड्स। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना पीड़ितों को दी जा रही है हर्बल चाय। कोरोना संकट के बीच पुंछ में एलओसी पर मना पारंपरिक लोहार देवता महोत्सव, जवानों और नागरिकों के साथ सिर्फ 20 लोगों ने की पूजा। रामेश्वरम में डीएमके ने जरूरतमंदों को दी मदद, सब्जी और खाने पीने की चीजों को मुहैया कराया। राइस मिल में काम कराने के लिए बिहार से 225 मजदूरों को लाई तेलंगाना सरकार, सभी लिंगमपट्टी रेलवे स्टेशन पहुंचे। तेलंगाना के खाद्य और आपूर्ति मंत्री स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। लॉकडाउन 3 के बीच गुवाहाटी में निर्माण कार्य को मिली है परमिशन। यूपी में लॉकडाउन के बीच गन्ना किसानों को बड़ी राहत, चलती रहेंगी चीनी मिलें। लखनऊ में लोहिया पार्क के पास प्रेमी से हुए विवाद के बाद प्रेमिका ने खुद को लगाई आग, झुलसा हाथ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 8 लोग गिरफ्तार, 110 बोतल शराब की बरामद। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन जफर उल इस्लाम खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत अर्जी, 12 मई को होगी सुनवाई। जफर उल इस्लाम खान पर देशद्रोह के मामले में लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, सोशल मीडिया पर दिए विवादित बयान से जुड़ा है एक मामला।
दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र सिंह की खुदकुशी केस में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जायसवाल ने कोर्ट में दी है अग्रिम जमानत की अर्जी। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध की, अब केवल प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े अफसरों को मोबाइल ले जाने की छूट। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के मुताबिक हाल ही में रामलला के अस्थायी मंदिर की तस्वीरें सामने आने के बाद मोबाइल किया गया है प्रतिबंधित। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इंस्टाग्राम पर बने बॉयज लॉकर रूम चैट ग्रुप में 9 और लड़कों से पूछताछ की। अश्लील चैट ग्रुप में शामिल हैं दिल्ली नोएडा के नामी स्कूलों के छात्र। खंडवा में यार्ड में रोक की गई एलपीजी गैस लेकर जा रही ट्रेन, गैस के बैरल में हो रहा था रिसाव। ट्रेन से जुड़े हैं एलपीजी से भरे 32 बैरल। खंडवा में एलपीजी की अवैध रिफिलिंग के दौरान लगी आग, 5 दुकानें जलकर खाक हुई। यूपी के मुरादाबाद की एक कॉलोनी में अचानक ज्यादा वोल्टेज से लोगों के घरों में काफी नुकसान हुआ। टीवी, फ्रिज समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद फूके। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र में महिला की हत्या, बेटी ने मुंहबोले भाई और उसके पिता के खिलाफ दर्ज कराई है हत्या की एफआईआर। रविवार को इंग्लैंड में हो सकता है लॉकडाउन में ढील का ऐलान। पीएम बोरिस जॉनसन बोले अधिकतम सावधानी पर दिया जाएगा ध्यान। नॉर्वे में सोमवार से खोल दिए जाएंगे स्कूल और कॉलेज, 1 जून से बाद खोलने की भी इजाजत। 15 जून से शुरू हो सकती है खेल प्रतियोगिताएं। कोरोना की वजह से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को लग सकता है 14% का झटका, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जताई है आशंका। कनाडा में $3 बिलियन से कोरोना फंड का ऐलान, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के वेतन में बढ़ोतरी का किया जाएगा ऐलान। तापमान बढ़ने और घटने से नहीं है कोरोना का कोई रिश्ता, कनाडा की एक रिसर्च में किया गया है दावा। शी जिनपिंग ने दुनिया को दी कोरोना संकट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की नसीहत, कहा मिलकर आगे बढ़ें तभी हारेगा जानलेवा वायरस। अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया चीन, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच में करेगा WHO की मदद। हर रोज कोरोना का टेस्ट कराएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक सहयोगी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया है फैसला। पाकिस्तान में कल से खत्म हो जाएगा लॉकडाउन, हटा ली जाएंगी कारोबार और बाजारों में लगी पाबंदियां, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। फ्रांस में 11 मई से चरणबद्ध तरीके से खत्म होगा लॉकडाउन, रेड जोन वाले इलाकों में जारी रहेंगी पाबंदियां। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया में फैल रही है नफरत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किया है आगाह। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के लिए उत्तर कोरिया ने की चीन की तारीफ, किम उन जोंग ने शी जिनपिंग को भेजा संदेश। कोरोना संकट के बीच ग्रीस में कलाकारों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन, मदद की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा। जापान में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर के इस्तेमाल की परमिशन, अमेरिका के बाद दूसरा देश बना। लॉस एंजलिस में फूल बाजार में दिखी गहमागहमी, मदर्स डे की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अमेरिका के इंडियाना में एक शिक्षक का अनूठा प्रयोग, छात्रों को गले लगाने के लिए अपने चारों ओर बनाया प्लास्टिक का घेरा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी, ओक्लाहोमा के रेस्टोरों में एक महिला ने कर्मचारियों पर फायरिंग की। इसराइल में पिछले एक साल से चल रहे सियासी संकट पर फिलहाल लगा ब्रेक, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए नेतन्याहू को दिया न्योता। कोरोना संकट के बीच पूर्वी अफ्रीका में भीषण बाढ़ का कहर, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका के फ्लोरिडा के जंगलों में भीषण आग लगी, तेज हवाओं से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में भी नुकसान की आशंका।